प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी आज अबू धाबी में प्रतिष्ठित बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। अबू मुरीखा क्षेत्र में स्थित इस मंदिर की लागत करीब 700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो इसे राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद इतालवी संगमरमर पत्थर से बनाया गया है। भारत में तराशने के बाद इसे संयुक्त अरब अमीरात में इकट्ठा किया गया। ये मंदिर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दान की हुई राशि यानी कि 13.5 एकड़ जमीन पर बनी है। उन्होंने 2015 में पीएम मोदी की यूएई यात्रा के दौरान जमीन दान की थी। बीएपीएस यानी बोसा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था एक हिंदू संप्रदाय है और भगवान कृष्ण के अवतार के रूप में स्वामी नारायण के प्रति अपनी श्रद्धा के लिए जाने जाने वाले इस संप्रदाय ने मंदिर के निर्माण का सारा जिम्मा उठाया है। मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरित है। मंदिर के 7 शिखरों में से एक प्रतीक संयुक्त अरब अमीरात के एक अमीरात का प्रतीक भी है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर की आधारशिला रखी थी और यूएई सरकार ने जनवरी 2019 में 13.5 करोड़ जमीन और मंदिर को बनाने के लिए आवंटित की थी। इसके फाउंडेशन में करीब 100 सेंसर लगे हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा भूकंप जैसी किसी भी स्थिति की जांच करने के लिए और भी जगहों पर सेंसर लगाए गए हैं। अयोध्या राम मंदिर की तरह इस मंदिर को बनाने में लोहे और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो इस मंदिर की काफी खासियत है पीएम मोदी का यूएई का दौरा। तो बता दें ये मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर है। 2017 में पीएम मोदी यहाँ पहुंचे हुए थे। यूएस सरकार ने जनवरी 2019 में 13.5 एकड़ जमीन में और मंदिर को बनाने के लिए आवंटित की थी।